हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नॉट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे आप लोगों के उत्तराखंड के अगले सेशन के बारे में। यहाँ पर हम उत्तराखंड राज्य में आए हुए भूकंप के बारे में बात करेंगे। जो भी ईयर है उन्हें हम लोग देखेंगे और कौन कौन सी जगह पर ये भूकंप आए थे उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो पिछली वीडियो आप लोगों ने देख चुके आप लोग देख चुके होंगे और आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में आए हुए भूकंप। पहला जो प्लेस है वो है आप लोगों का उत्तरकाशी। बहुत फेमस रहा था ये, आप लोगों का आया था मई 1803 में। और फिर उत्तरकाशी का ही दूसरा जो भूकंप है वो है आपका अक्टूबर 1991 में, 1991 में ये आप लोगों का आया था अक्टूबर में। दूसरा जो था वो है आप लोगों का बद्रीनाथ, बद्रीनाथ सितंबर, यह था आपका सितंबर 1803 में। क्या था आप लोगों का? सितंबर 1803 में। तीसरा है मसूरी, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही फेमस था। ये है आप लोगों का मार्च 1842 में। उसके बाद है नैनीताल, नैनीताल ये आप लोगों का था फरवरी 1851। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये जितने सीरीज है, जो भी सीरीज अगर आप लोग याद कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की सीरीज हो सकती है, सिर्फ उत्तराखंड जीके की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी सीरीज को याद करने की बात आती है तो सबसे बेहतर तरीका जो है वो याद करने का वो है आप लोगों का कार्ड्स। आप अपना फ्लैश कार्ड्स बनाइए, पेपर ले लीजिए, उसमें जो आप कार्ड बनाएंगे उसमें एक तरफ जो भी इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसे लिखिए। जैसे कि यहाँ पर आप उत्तरकाशी लिख सकते हैं, उत्तरकाशी, और इसी के दूसरी तरफ आप लिखेंगे मई 1803। अब इससे फायदा क्या होगा, आपके पास दो कार्ड हैं, यहाँ आप लोगों ने लिखा है, इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ उत्तरकाशी, और दूसरी साइड आपने लिखा है उसी कार्ड के मई 1803। तो इससे होगा क्या, इससे ये बेनिफिट होगा आप लोगों का कि आप खुद का टेस्ट कर सकते हैं। और कार्ड्स बनाने से एक फायदा जो होता है कि आपको दोनों तरफ इंफॉर्मेशन याद होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास में उत्तरकाशी आता है तो आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है मई 1803 ये फ्लैश होगी, आपके आंखों के सामने ये इन्फॉर्मेशन फ्लैश होगी। और दूसरी तरफ अगर आप ये पढ़ते हैं उत्तरकाशी, तो आपको मई 1803 और मई 1803 अगर फ्लैश पढ़ते हैं आप, आपके सामने आती है, तो उत्तरकाशी आप लोगों के साथ में फ्लैश होगा। अब आगे चलते हैं, ये है आपका नेक्स्ट, ये धारचूला बजांग, धारचूला बंजाग, सॉरी। इसमें काफी बार भूकंप आ चुके हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सभी जो इनकी तीव्रता थी, इनकी जो तीव्रता थी ये 6 से ज्यादा थी। आप लोगों को याद रखना है 6+ इनकी क्या थी, तीव्रता थी। तो ये था आपका अक्टूबर 1960, यही आपका मार्च 1935, 1935, और दिसंबर 1958, और मई, यहाँ पर आप लोगों काफी बार भूकंप आया है, 1979, 79, एंड जुलाई लास्ट है आपका 1980, जुलाई 1980। तो काफी बार अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, और ईयर आप लोग देख सकते हैं 1916, 1935, 1958, 1979 एंड 1980, इतनी बार यहां पर क्या हो चुका है, भूकंप आ चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देहरादून। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इसके आपको जो ये वाला वीडियो है इसमें आप लोगों को क्या करना है, कार्ड से ही इसे याद करना है। जो ये सीरीज है इसे कार्ड्स बनाकर ही आप
याद करेंगे। अक्टूबर अक्टूबर 1937 में जो था वो 6+ रिक्टर स्केल का आया था भूकंप, अल्मोड़ा जून 1945, सेराघाट सेराघाट 1979, उसके बाद है आपका चमोली, चमोली में मार्च 1999 1999। और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6+ इनका स्केल था। उत्तराखंड में वनों की अगर बात की जाए, जो प्रतिशत वन क्षेत्र प्रतिशत है वो आप लोगों का है 66, ये वन क्षेत्र है आप लोगों का। और जो 1952 की वन नीति है, 1952 की वन नीति, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में 33% ही होना चाहिए, मींस इतना कम से कम होना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड में ये क्या है, लगभग दुगना है, डबल है, ये परसेंटेज आपका लगभग डबल है। और वनों से बहुत सारी आय यहाँ पर होती है, और जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, जड़ी बूटियों का उत्पादन वनों से बहुत ज़्यादा है। और इन वनों से कहीं ना कहीं एक पर्सनल रिलेशनशिप उत्तराखंड वासियों की होती है पहले से ही, जो यहाँ रहने वाले हैं उनको समझ में आता होगा कि वन यहाँ की जो सामाजिक सामाजिक कहें हम या हम आर्थिक कहें, दोनों जरूरतें वन पूरा करते हैं। और जब जब इन वनों को नुकसान पहुंचाने का काम हुआ है तो उसके लिए चिपको आंदोलन इतना फेमस आंदोलन पूरे दुनिया में जिसने अपनी छाप छोड़ी, वो उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वनों से बहुत ज्यादा क्या है, लगाव है लोगों को। हाँ, वो अलग बात है कि जो नई पीढ़ी है उसका लगाव इससे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो हमसे पहले, मैं कहूँ कि जो 50+ 50 होंगे जिनकी एज, उन लोगों ने देखा होगा, या इवन 30 की एज कह सकते हैं, क्योंकि मैं खुद 35 का हूँ, तो मुझे पता ये है कि वनों से बहुत ज्यादा हमारा खुद का भी लगाव है। लेकिन जो हमारे बाद की जेनरेशन है जिन्होंने वनों की, उनको इनडायरेक्ट जरूरत पड़ी है। हमें वनों की क्या थी, डायरेक्ट जरूरत थी, बचपन में गांव में रहते थे और जो वन थे वो एक आधार था जीवन का हमारे लिए, हर चीज, चाहे लकड़ी आग जलाने के लिए हो, चाहे गाय भैंसों के लिए चारा हो, चाहे पत्तियां हो, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो जरूरतें हमारी थी वो वनों से पूरी होती थी। ठीक है, तो डायरेक्ट जरूरतें जो थी वो हम जुड़े हुए थे उन वनों से, तो इसलिए एक अगर वन से हम लकड़ी ला रहे होते थे तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो ये साथ में ये जरूर बोल देते थे कि अगर हमने गलती से कोई हरा पेड़ काट दिया, कोई छोटा पेड़ अगर बचपन में काट दिया, तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते थे कि हमें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए था, हमें सिर्फ सूखी लकड़ियां वहां से उठानी है, या इस तरह से एक पता नहीं आप लोगों को, जो लोग जुड़े होंगे पहले से, तो वन जो हमारे जंगल होते थे, जंगलों में हमारी ड्यूटी भी लगती थी, गांव गांव में हर एक दो फैमिलीज की ड्यूटीज भी लगती थी, जिसको जिसमें छटाई होती थी, जंगलों को थोड़ा प्रॉपर बनाया जाता था, और जो भी उनसे लकड़ियां मिलती थी उन्हें हम घर लाया करते थे और उन्हें यूज किया जाता था। या गाय का जो चारा होता था वो हम पूरे महीने भर नहीं काट सकते थे, उसके लिए भी ड्यूटियां लगती थी, मीन्स हर फैमिली को चांस मिलता था। तो एक अच्छा सिस्टम था, वनों को बहुत अंधाधुंध दोहन नहीं किया गया, एक सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन वो सारी चीजों की जरूरतें
समझते थे वनों का महत्व, बहुत अच्छे से समझते थे क्योंकि उससे डायरेक्ट जुड़े हुए थे। अब वनों की अगर हम वन्य जीवों की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड बहुत ही धनी है, रिच है इस मामले में। और एशिया का, अगर हम कहें कि एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? ये था आपका जिसका नाम अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है, आप लोगों को याद रखना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसे हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और जो हेली नेशनल, ये 1936 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो अभी अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। इनका डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, और उसमें आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और 6 वन्य जीव विहार भी है, 6 वन्य जीव विहार भी है। और बात करें 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनघनत्व तो है, ये इंफॉर्मेशन यहां पर रख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। जो जनगणना है उसके हिसाब से जो बेसिक चीजें हैं उन्हें इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी डिटेल वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। और एक डिटेल वीडियो और मैं जो जनगणना पर है वो यूट्यूब पर भी लेके आऊंगा, अभी हम इसे सिर्फ बेसिक तौर पर देख रहे हैं। उत्तराखंड का जो स्टार्टिंग है इसमें अगर हम देखें कि जो जनघनत्व था, जनघनत्व है हमारा 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और इसे फिर से वही कहूंगा कि इसे 189 से ही आप लोग याद रखिए, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है वो हरिद्वार है, और जो सबसे कम है वो क्या है आप लोगों का, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, हरिद्वार रुद्रप्रयाग ही, हरिद्वार सबसे ज्यादा है, रुद्रप्रयाग आप लोगों का कम है। राज्य में अगर हम स्त्री पुरुष का अनुपात देखें, स्त्री पुरुष का अनुपात तो वो है आपका 963, ये आप अगर इधर से देखेंगे तो 369, 369, तो 3 की टेबल पूरी हो जाती है 369, इस तरह से आप लोग इसे याद रख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और इसमें कई सारी जनजातियां भी हैं जिनमें कि आप लोगों को पता होगा कि ये है आपकी भोटिया, और भोटिया के बाद बोक्सा, थारू। एक जो यूजुअली हम लोग छोड़ देते हैं, ज्यादातर किताबों में नहीं होती है, वो है आपकी महीगीर। कुल आबादी, अगर हम जनजातियों की कहें कुल आबादी, इसमें आपकी जौनसारी भी है, जौनसारी, और कुल आबादी 3 लाख, 3 लाख है कुल आबादी। जनजातियों की जो कुल आबादी वो क्या है, 3 लाख है। इसमें सबसे बड़ा जो समुदाय है इसमें वो है आपका जौनसारी, और दूसरे पर है आप लोगों का थारू। तो जौनसारी और थारू काफी ज्यादा है। इसमें जो भोटिया है उसके बारे में आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं, वो है कि ये मौसमी प्रवास करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं। अब राज्य के चिन्ह के बारे में बात करें कि जो राज्य का हमारा चिन्ह है, इसमें 2011 में डिसाइड किया गया था, और सॉरी 2001 में इसे डिसाइड किया गया था, 11 नहीं 2001। इसमें जो गोलाकार मुद्रा में आप लोगों का एक 3 पर्वतों की आपको श्रृंखला आप लोगों ने देखा होगा काफी बार, और अशोक की लाट है। और इसमें नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें सत्यमेव जयते, जो हम यूजुअली भूल जाते हैं, ध्यान देना कि इसमें 3 ही 3 पर्वत हैं,
अशोक की लाट है, अशोक की लाट, और सत्यमेव जयते इस पर लिखा हुआ है नीचे। और ये कहाँ से लिया गया है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये लिखा गया मुंडक उपनिषद। अब कई बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कई बार इसे मुंडकोपनिषद मानकर चल जा ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन हमें इसे मुंडक उपनिषद ही लेना है। ये आप लोगों का किससे है मुंडक उपनिषद, गंगा नदी है। और गंगा नदी की अगर पूछी जाए तो कितनी लहरें हैं, तो आप लोगों के इसमें चार लहरें हैं, गंगा नदी की चार लहरें हैं। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग जो कि हमारा राजकीय पशु है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। एक नई स्लाइड ले लेते हैं, नई स्लाइड में आपको लिखकर इसे दे देते हैं, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम मास्कस काइसोगास्टर है, मास्कस काइसोगास्टर। और मोनाल, इसे जब शुरुआत में हम याद करते थे तो उसे हमें इसे हम लोफर मोनाल बोला करते थे, लोफर। वैसे आप लोगों को पता होगा कि लोफर इधर उधर घूमने वाला, तो लोफर मोनाल से याद रहता था कि ये इसका नाम लोपोफोरस इम्पिजेनस है, लोफोफेरस इम्पिजेनस इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको हमने जो ब्रह्म कमल है, ये एक तरह का बारहमासी फूल है, तो ब्रह्म कमल का नाम होता है आपका सोसूरिया अबवेल्टा। सोसूरिया अबवेल्टा, तो इसे हम ससुरा करके याद किया था हम लोगों ने उस टाइम पे, ससुरा ब्रह्म, ठीक है, ससुरा 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 ब्रह्म, इस तरह से याद किया था, आप लोग भी याद कर सकते हैं। और जो बुरांस है उसे आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर जब रोड पर चलते हैं तो हमें गढ़वाल में क्या होते हैं, गढ़वाल के एरिया में या पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो बुरांस आप लोगों को दिखेगा, तो रोड पर चलते हुए आप लोगों को बुरांस दिखाई देगा, इसलिए आप इसे याद रखेंगे, रोडोडेंड्रॉन, रोडो डेंड्रोन अर्बेरियम, रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम। ये आप लोगों का राजकीय वृक्ष है, ये पुष्प है, और मोनाल आप लोगों का पक्षी है, बर्ड है, और ये आपका राजकीय पशु है। तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं कि अब जो मास्कस था, मृग से ही आप लोगों को मास्कस, म म से आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं इसे। अब बाकी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ, तो अगर आप इस तरह से इन्हें याद रखेंगे तो आपको ज्यादा दिनों तक ये याद रह पाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आप लोगों के लिए, उसमें हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो थी वो थोड़ी बेसिक लेवल का नॉलेज उसमें था, लेकिन अगर आप लोगों के पास में ये बेसिक लेवल का नॉलेज अगर आप सेट कर लेते हैं अपने माइंड में, तो कहीं ना कहीं एडवांस की तरफ आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं आप लोगों की दो चार, और उसके बाद हम थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक्स को देखेंगे जो इतिहास में आप लोगों के आएंगे, जैसे कि जितने भी राजवंश थे आप लोगों के, उन्हें हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।